क्या छोड़ने की बातें हो रही है तुम्हें? छोड़ो ना यार, कुछ छोड़ने की बात नहीं हो रही है. छोड़ो ना यार इज जस्ट एन एटीट्यूड विच दीज थ्री फ्रेंड्स हैव. एक एटीट्यूड है इनका ये लाइफ में, एक केयर डैम एटीट्यूड और एवरीथिंग इज लाइक छोड़ना यार, इट्स गो एंड फॉरगेट अबाउट इट, मूव ऑन इन लाइफ. जस्ट ऑल अबाउट द एटीट्यूड विच इज देयर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स. बेसिकली द फिल्म इज अबाउट दीज three friends who are together in a mass communication school college and they are there to become directors. और होता क्या है कि इनसे सब लोग कोई acting करवा रहा है, कोई dance करवा रहा है, ये सारा कुछ जो है वो चलता है. Whereas the frustration is the maximum in my character because he is actually come here to make it big as a director. और सब लोग इससे कोई acting करवा रहा है, कोई गाना गवा रहा है. The other two are carefree people. उनको ये नहीं हो तो एक्टर बन जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट ही इज़ लाइक दैट. एंड देन हाउ ही फाइनली चूजेज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड ही वॉन्ट्स टू मेक हिज फर्स्ट फिल्म ऑन दैट एंड दे मूव टुगेदर एंड वॉट हैपन्स इज द टू ऑफ हिज फ्रेंड्स गो मिसिंग एंड देन इट्स हिज सर्च फॉर दोस टू. सो द फर्स्ट हाफ इज ऑल एंटरटेनिंग, लाइट हार्टेड कॉमेडी एंड स्टफ. इंटरवल पॉइंट इट टर्न्स इन टू अ थ्रिलर. सो हाउ गोज़ इन टू अ थ्रिलर मोड. And then his search for both these friends. The film कैसे मिली? How did you get the film? Film ऐसे बनी कि दिलीप सूद जो director हैं फिल्म के, वो दोस्त रहे हैं. उन्होंने एक फिल्म बनाई थी स्कूल डेज, जो कि सारे फेस्टिवल्स में इस वक्त गई हुई है एंड इट्स डूइंग दिस फेस्टिवल राउंड एंड ऑल दैट वट एवर. और दिलीप और कबीर और फरीद भी जो हैं वो भी दोस्त रहे हैं. तो हम लोग एक बार ऐसे बैठे हुए थे तो दिलीप वो सेइंग कि मैं एक फिल्म सोच रहा हूँ जो कि दोस्ती पे है. बेसिकली वो इमोशन जो है इस फिल्म का वो फ्रेंडशिप पे है, चाहे वो किम का कैरेक्टर भी हो. शी इज़ ऑल्सो सपोज टू बी अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आर्स, इवन दो शी इज़ नॉट शी इज़ नॉट इनटू दैट एडवेंचर पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग. वो एक अलग एंगल है उसका. बट ये दोस्ती है इन लोगों की और उसके ऊपर ही वॉन्टेड मेक अ फिल्म ऑन फ्रेंडशिप, बट नॉट दैट कम्प्लीटली यूजल फिल्म ऑन फ्रेंडशिप. वी वॉन्टेड टू हैव द फर्स्ट हाफ इज कम्प्लीट एंटरटेनमेंट कॉमेडी, showing the three different characters. Ek thoda serious hai, thoda frustrated hai, thoda he wants to make it big and he wants to do everything his way. Aur uske jo do dost hain Capri hain, usme se ek bahut bade baap ka beta hai, dusra jo hai wo normal hai, but he also cares a damn. So attitude in log ka wahi hai, chhodo na. Aur kaise matlab inki dosti dekhte hue aap enjoy karte hue chalte hain, suddenly they go missing, two of them. So and then his search, because even if everybody else is saying ki nahi this ye yahan pe nahi the, but he is saying no, I saw them going this side, so I have to go. He was helping. Are you the serious guy? Are you the? Nahi, mera thoda sa edgy hai character. Usme thoda sa ek wo hai, kyunki apne doston ke saath unki masti, unka sab kuch he can tolerate and he is pretty much okay with it, because jab se bade hue hain tab se log dost rahe hain, sab kuch saath mein kiya hai. Lekin कोई सामने वाला बोले कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है, दैट ही कांट टेक. सो ही इज़ स्लाइटली एजी है वैसा. और ये दोनों जो हैं ये एकदम मतलब दे आर द लाउड वंस एंड दे लाइक थोड़े से वो एंजॉयमेंट वाले हैं उस टाइम के. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी जो मेड. क्या किसी तरह से आप इस फिल्म को नहीं, आई थिंक डिफरेंट तो हर इंसान अपनी बोलता है फिल्म के बारे में, ऐसा डिफरेंट कुछ नहीं है. हिज आइडिया वॉज टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म. उसकी एक लेंथ वो रखना चाहता था, दिलीप अपने हिसाब से एक फिल्म की लेंथ. सो ही वॉन्टेड टू कीप द थिंग फॉर अबाउट 90 मिनट्स की फिल्म है, राउंड अबाउट 90 मिनट्स की. तो ही वॉन्टेड टू कीप इट वेरी पेसी. एक बार आपने इस्टेब्लिश कर दिया इनका कैरेक्टर कि ये लोग हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनके साथ ये हो रहा है, मूव ऑन. ही वॉन्ट्स टू मेक अ फिल्म, ही वॉन्ट्स टू गो एंड डू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो कैसे वो वहाँ से जो भी करके लड़ जाकर के वो लोग वहाँ से निकलते हैं, एंड यू रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस, व्हाट ऑल हैपन्स ओवर देयर. सो ही इज केप्ट इट पेसी, दैट्स व्हाट हिज मेन थिंग वाज, दैट आई वांट टू कीप इट वेरी पेसी एंड वेरी फास्ट. तो क्या ये फिल्म को आप अपने रियल लाइफ में किसी भी तरह से रिलेट कर सकते हैं? मैं सिर्फ इसकी जिन लोकेशंस पे शूट हुई है दिल्ली और मनाली में, उनसे रिलेट कर सकता हूँ. क्योंकि दिल्ली में हम लोग सब नॉर्थ की थोड़ी रखी गई है. जैसे कबीर का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा हरियाणवी टच है उसमें,
थोड़ा सा क्या, काफ़ी हरियाणवी टच है उसमें, और मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा उसमें यूपी का टच है, और हम लोग सब हैं बेसिकली नॉर्थ के, तो एक फ्लेवर जो था डायलॉग्स में भी, हर चीज़ में भी, आई थिंक वो उसने दिलीप ने रखने की कोशिश की. छोड़ो ना यार, हम लोग आपस में बहुत बोलते हैं, जैसे अगर मैं कोई और शूटिंग के लिए गया हूँ, सडनली आई कम बैक एंड आई मीट दिस गाइस, द फर्स्ट थिंग इज छोड़ो ना यार, एंड देन वी आर टॉकिंग, एंड कोई ऐसी बात होती है, समबडी इज गोइंग हे वाई है, कुछ और ही बात कर रहा है, इज ऑलवेज सही, छोड़ो ना यार. एज एन एक्टर आपने कभी बोला छोड़ो ना यार, उसके बाद रिग्रेट किया और एक बार छोड़ दिया? समथिंग यू डिड एंड यू सेड छोड़ो ना यार, एंड देन लेटर यू रिग्रेट? छोड़ो ना यार, रिग्रेट वाले मोड पे तो आता ही नहीं है, वो आता है इसमें है कि अगर कोई समबडी इज फाइटिंग, आपस में लड़ रहे हो, छोड़ ना यार, फॉरगेट अबाउट इट, दैट इज रियलिटी. एज एन एक्टर वेयर आर यू सीइंग योरसेल्फ नाउ, हैविंग वर्क्ड under Yashraj Banner? Enjoying myself, yeah. I'm enjoying doing all these different kinds of films, different kinds of roles, different kinds of looks, and post Chhodo Na Yaar there is Strangers, this film of mine, which again I'm very very excited about, that is releasing towards the end of October, and there is Das Kahaniya coming up, then there is a film called Wednesday which is coming up in December. There's a film of mine which is almost complete now called Bachelor's Party. That's a comedy. I'm looking forward to that. These are the films that are almost complete now. Most of them are complete. Bachelor Party is going to be complete now. So these are the ones which will be releasing too. From now onwards till the end.